हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी, जिसके इंग्रेडिएंट्स आप जल्दी से नोट डाउन कर लें, मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो आप बाद में भी देख सकते हैं। इसमें जाएंगे 4 से 5 अदद अनियंस, 4 से 5 अदद टमेटोज, कुछ ग्रीन चिलीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सम ड्राइड स्पाइसेस और ऑयल जाएगा। बाकी सब आपके सामने है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले एक पैन को आप हीट करें और इसमें 1 कप ऑयल डाल दें। मैंने 1/2 कप लिया है, पर आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैंने अनियंस डाल दिए। अब मैं इनको इतना ब्राउन करूँगी जितना मुझे डिज़ायर्ड कलर चाहिए। मुझे थोड़े गोल्डन ब्राउन पसंद है और मुझे बिल्कुल काले प्याज नहीं पसंद, क्योंकि जब आप इसमें इसको और कुक करेंगे तो ये बिल्कुल ही काले हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी ये अपना कलर चेंज करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और आप जितना फ्रीक्वेंटली इसको स्टर करेंगे वो ऐसे ही इवन कलर पकड़ना शुरू कर लेंगे आपके प्याज। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे अपने आलू। आलू मैंने पहले से काट के रखे हैं और धोए हैं, बिल्कुल भी उबाले नहीं हैं। तो कच्चे आलू तेल में प्याज के साथ, हल्दी के साथ मैं डाल रही हूँ, और जैसे ही ये कलर पकड़ लेंगे ऑरेंज का, तो इसको हम दम पे रख देंगे फॉर एटलीस्ट 5 मिनट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया, हम इसको देंगे दम पे 5 मिनट के लिए, ताकि आलू थोड़ा सा स्टीम पकड़े और वो अपना कुक होते जाए। यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ 5 मिनट का दम, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। जैसे ही दम से उठाएंगे ढक्कन, हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते और एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे हमारी चॉप्ड टमाटर, जो कि 4 से 5 अदर टमाटर मैंने फाइनली चॉप कर लिए, ताकि इसकी प्योर इसका मसाला अच्छा से बन जाए। और इसको अच्छे से भुनाई करके इसके अंदर आप डाल देंगे 4 से 5 अदद लौंग। लौंग डालने के बाद इसको अच्छे से थोड़ा भूने, फिर आएंगे हम अगले स्टेप की तरफ। इनको दम पे रखने के बाद इसके अंदर ये आप हमारा गरम मसाला देख रहे हैं कुटा हुआ, इसमें मैं डाल रही हूँ इमली। अब इमली में साथ अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि इमली भी कोट हो जाए मसाले गरम के अंदर। गरम मसाले में मैंने लिया हुआ है कोरिएंडर सीड्स, ज़ीरा, काली मिर्चें, लौंग, इलायची, जाफ़र जवत्री, जो गर्म मसाले की चीज़ें आपको पसंद हो। मैं छोटी इलायची भी इसके अंदर डालूंगी, यानी कि ग्रीन इलायची। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बिरयानी मसाला पैकेट वाला लिया है। नमक, लाल मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि मैं आज ज़्यादा बना रही हूँ तो मुझे ज़रा स्पाइसी और मसालेदार चाहिए थी। इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लें, आपको वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन मैंने वीडियो के लिए किया था। इस स्टेज पर आप मसाला अपना डाल दें ढक्कन खोल के, और इसको अच्छे से अब आपने इसकी भुनाई करनी है, ताकि आपका मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही मसाला मिक्स हो रहा है, मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। मसाले को आप देख रहे हैं, उसने तेल छोड़ दिया था, मैंने चिकन लिया। मैंने क्योंकि ज़्यादा पका रही हूँ, तो मैंने एक पूरी चिकन और एक बोनलेस ली है। तो इसको आप अच्छे से थोड़ी से भूनें, भुनाई करें इसकी, और इस स्टेज पे आप डाल दें पानी और लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट कुछ लोग पहले भी डालते हैं, आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं, मुझे इस स्टेज पे पसंद है। और इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल के इसको अब ढक दिया है, और इसको अब मैं पकने दूँगी। काफ़ी देर पकने के बाद जब इसको हमने खोला, तो आप देख सकते हैं कि ऑयल आना शुरू हो रहा है और बॉयल भी हो रहा है साथ साथ आपका सारा मसाला। तो इसको भी हम थोड़ा अच्छे से भुनाई करेंगे, और मैं रिपीटेडली बार बार ढक्कन भी दूंगी और मसाले को चेक करती रहूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से, जहां मुझे लग रहा है कि मिर्च कम है या तेज़ है। इस स्टेज पे मैंने आकर हरी मिर्चें डाली हैं, कटी हुई हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, और इसको अच्छे से मिक्स करें और फिर से इसको दम पर लगा दें। जब आपका पानी खुश्क होने वाला हो जाएगा अप टू योर डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी, तो आप इसको निकाल सकते हैं।
एक अलहदा पैन के अंदर आप पानी बॉयल होने रखेंगे चावलों के लिए, और उसके अंदर आप डाल दें ज़ीरा, छोटी इलायची, तेज़पत्ता और नमक। साथ ही अपनी चिकन के अंदर मैं इस स्टेज पे आकर थोड़ी सी दही मिलाऊंगी, और दही जब मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए मैं या 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। चावलों का पानी जैसे ही बॉयल पे आता है आप इसके अंदर अपने चावल मिला दें। चावल मैंने 2 से 3 घंटे के लिए सोक किए थे और अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। ये मैंने चिकन के मसाले को हाफ एंड हाफ कर लिया है और थोड़ा सा उसका ग्रेवी को थिक होने के लिए छोड़ दिया था। ये मेरे चावल बॉयल हो चुके हैं आधी कनी और अब इस स्टेज पे आके मैं लगाऊंगी अपनी तय, यानी कि चिकन चावल। मैं 4 से ज़्यादा लेयर्स नहीं लगाती, तो अब हम इसको अच्छी तरह लेयर लगाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे दम के लिए। तकरीबन 20 मिनट का दम मैं लगाऊंगी इस पर। पहले चिकन जाएगी, फिर चावल जाएंगे। चिकन को बेस पे रखने का मकसद ये होता है कि चिकन का जो ऑयल है वो आपका सालन या आपका दम वाले चावल कभी नीचे नहीं लगते। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं, अब मैं ऊपर से चिकन के पीसेस डाल रही हूँ, इसमें आलू भी हैं, और जैसे ही इसका लेयरिंग हो जाएगी, आखिरी चावल की लेयर जाएगी, तो फिर मैं जल्दी से इसके ऊपर हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना और रंग डाल दूंगी जर्दे का। लोग दूध के साथ भी जर्दे का रंग मिक्स करते हैं, पानी में भी करते हैं, मैं ज़्यादा पानी में पसंद करती हूँ क्योंकि मैंने कभी दूध वाला जर्दे का रंग ट्राई नहीं किया मिक्स करके, तो मुझे नहीं मालूम। अब जैसे आप देख रहे हैं मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, साथ ही मैं थोड़ा सा पुदीना डालूंगी। और पुदीना भी मैं इसलिए काट के नहीं डाल रही क्योंकि हमें पुदीना नहीं पसंद, तो हम जैसे ही उसका फ्लेवर ऐड हो जाएगा हम पुदीना निकाल लेंगे। हरी मिर्चें सबसे ऊपर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर पुदीने के पत्ते डालूंगी और इसको फिर मैं दम पे लगा दूंगी जर्दे का रंग डाल के। अब मैं इसके ऊपर जर्दे का रंग डालूंगी जो कि मैंने पानी के अंदर घोला है। कुछ लोगों को दूध में घोलना अच्छा लगता है, वो आपकी चॉइस है, मैं पानी में घोलती हूँ। और इस तरह हम जर्दे का रंग देखे अखबार के साथ कवर करके इसको दम पे लगा देंगे। तकरीबन कुछ नहीं तो आपने 20 मिनट का दम इसको लाजिम देना है हल्की आँच पर, और हम इसको पकने देंगे। यहाँ मैंने अखबार रखी है तेज के ऊपर और फिर साथ ही मैं दूंगी ढक्कन, और इसको हम कवर कर देंगे किसी भारी चीज़ के साथ ताकि दम अच्छे से लग जाए। अखबार रखने का मकसद ये है कि जितना भी मॉइस्चर है वो अखबार सोक कर लेगा और आपके चावल पिलपिले नहीं होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा दम लग चुका है। अब मैं यहाँ से पहले पुदीने के पत्ते उतार लूँगी क्योंकि हमें नहीं पसंद, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे, लेकिन ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से ऐसे मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं कि साथ ही नीचे से मसाला दम में मिक्स